मैं ND 132 के लिए यहाँ से कैबलेट से कोचिंग लेने आया हूँ। इससे पहले मैं भालोई में था, लेकिन तब मैं स्क्रीन आउट था क्योंकि थोड़ा मैच्योरेशन भी कम थी। और फिर मैंने रिटर्न एग्ज़ाम दिया, मेरा फिर सिलेक्शन हुआ SSB के लिए। मैं कैबलेट में मैंने यहाँ से कोचिंग ली। यहाँ पे जो चोपड़ा सर है, उन्होंने जो जो बातें बताई वो सारी मेरे SSB में काम आई, क्योंकि दो सर ने जो स्टोरी राइटिंग का स्टाइल बताया था वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। अगर वैसी स्टोरी लिखी जाए तो आई थिंक SSB के रिकमेंडेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और धवन सर का भी स्टोरी, जो धवन सर ने ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज कराई थी वो बेस्ट थी। रीजनिंग वाले सर जो जो भी कराया था रीजनिंग, उसी टाइप की सेम रीजनिंग हमारे SSB में आती है, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद चोपड़ा सर ने एक जो चीज़ बताई थी कि हाउ रॉन्ग कैन आई बी, ये सबसे बेस्ट चीज़ लगी मेरे को कि आपको जितना भी आता है आप SSB में परफॉर्म करिए और यू विल बी रिकमेंडेड। और जो भी GTO टास्क है, जो भी GTO टास्क है कैवलियर में, जो मेथड्स बताए गए हैं कि स्टेप ब्रिज एंड कैंटिलीवर का, और मतलब फिर रिबिल्टिंग कैंटिलीवर का, वो सबसे बेस्ट मेथड है। उसको ध्यान में रखा जाए तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। और PIQ फॉर्म, सबसे ज़्यादा ध्यान PIQ फॉर्म पे ही देना चाहिए मेरे ख्याल से। कैवलियर में भी यही बताया गया कि आप PIQ फॉर्म में जितना ज़्यादा ध्यान दोगे उतना ज़्यादा आपका SSB के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आई थिंक कैवलियर इज़ द बेस्ट। थैंक यू माई फ्रेंड्स।